नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने एक और पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जो पूरे 3 महीने में वैरिकोसिल क्योर हो चुका है। मेरे पेशेंट का नाम जीवा है जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। जब वो हमारे पास फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो उनको ज़्यादातर पेन जो थी वो सिर्फ राइट टेस्टिस में ही होती थी, स्वेलिंग होता था और हैंगिंग महसूस करते थे, लेकिन आज वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। पूरे 3 महीने का ट्रीटमेंट चला है। तो चलिए डायरेक्ट मैं आपसे मिलवाती हूँ मेरे ही पेशेंट से जिनका नाम जीवा है। वो आपको खुद ब खुद बताएंगे कि उनका भारत होम्योपैथी में कैसा सफ़र रहा। नमस्कार जीवा। नमस्कार। कैसे हैं आप अभी? अभी ठीक हूँ मैम, पूरी तरह ठीक हो गया। कैसा लग रहा है जी आपको मैं। जीवा, ठीक होके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले से बेटर महसूस कर रहा हूँ मैम। पहले से बेटर महसूस कर रहे हैं। तो जीवा, आपको कब पता लगा कि आपको वेरिकोसील है, और आपको ट्रीटमेंट से पहले, हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट से पहले क्या क्या आपको अपने बॉडी में, आपके टेस्टिस में क्या क्या नजर आया ऐसा कि आप डॉक्टर के पास गए? कब पता लगा आपको? जी मैम, पेन चालू हो गया था टेस्टिस में, फिर एक दिन वीडियो में आपकी भारत होम्योपैथी की वीडियो सामने आया, वहीं से मैंने कांटेक्ट किया और 3 महीने ट्रीटमेंट लगातार लिए, ठीक हो गया जी बताइए, दर्द आपको कैसा दर्द हो रहा था, कि आपको स्वेलिंग कहाँ पे आ रही थी, ये सारी चीजें बताइए कि आपको ट्रीटमेंट से पहले क्या क्या कंप्लेन आ रही थी आपके शरीर में। जी मैम। राइट टेस्टिस में मैम पेन हो रहा था और स्वेलिंग भी हो गई थी और हैंगिंग आ गया था टेस्टिस में। अच्छा, तो जब आपको दिखा कि आपके राइट टेस्टिस में स्वेलिंग भी है, पेन भी है, हैंगिंग भी है, तो सबसे पहले आपने कौन सी ट्रीटमेंट ली, कहाँ पे गए आप दिखाने? जी मैम, यही बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जी जी होम्योपैथी क्लिनिक था जी, वहीं दिखाने गया था मैम। अच्छा, तो पहले आपने तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट ली थी अपने बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में ही, या अंग्रेजी दवाइयाँ भी खाई थी आपने? इससे पहले अंग्रेजी दवाइयां भी खाई थी मैम, तो उसका अच्छा, कोई असर नहीं हुआ था मैम। तो जब आपने अंग्रेजी दवाइयां खाई तो क्या आपको बिल्कुल आराम नहीं दिखा? जी मैम। ठीक है, तो उसके बाद आपने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया जब आपको कोई आराम नहीं आया? फिर ऐसे ही वीडियो देखते देखते भारत होम्योपैथी का वीडियो सामने आया और वहीं से अच्छा, तो कॉन्टेक्ट आप किया YouTube और देख रहे थे? ओके, YouTube जी देखते मैम। देखते आपको भारत होम्योपैथी के कुछ वीडियोस नजर आए। जी मैम। अच्छा, फिर देन उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैम मैं कॉन्टेक्ट किया भारत होम्योपैथी से और डॉक्टर नितेश के अंडर में मैम 3 महीने ट्रीटमेंट लिया और अभी बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, तो अभी आप पूरी तरीके से ठीक हैं? जी मैम। ओके, तो आपको पहले मंथ में कितना आराम आपको दिखा जब आपको भारत होम्योपैथी से, हमारे यहाँ से मेडिसिंस गई, आपको 1 महीने के मेडिसिंस आपने खाई, कुछ गाइडलाइंस भी दिया गया था फॉलो करने के लिए, क्या वो सारी चीजें आप ट्रीटमेंट के दौरान फॉलो किए? जी मैम, प्रॉपर डाइट फॉलो किया और फर्स्ट महीने मैम लगभग 20 से 30% रिलीफ हो गया था मैम। अच्छा, तो जैसे आपने अभी मुझे बताया जीवा जी कि आपको जब सिम्टम्स नजर आए कि आपको राइट टेस्टिस में पेन था, स्वेलिंग भी था और हैंगिंग भी था, तो जब आपको यहाँ से 1 महीने की दवाइयाँ गई, आपने 1 महीने की दवाइयाँ खाई, तो आपको इन चारों सिम्टम में से कौन सा सिम्टम आपको पहले कम नजर हुआ, कम दिखाई दिया? जी मैम, पेन में थोड़ा रिलीफ हुआ मैम और स्वेलिंग कम हुआ मैम पहले मंथ में। अच्छा, पहले महीने में आपको पेन में आराम आया, स्वेलिंग में आराम आया, फिर जब आपको दूसरे महीने की दवाइयाँ गई तो आपको क्या दिखा दवाइयाँ लेने के बाद, और क्या आपकी कंप्लेन जो कम हो गई? सेकेंड मंथ में मैम स्वेलिंग में पूरी तरह हल्का बच गया और पेन लगभग लगभग 80% चल ही गया था मैम। ओके, यानी कि आप 80% पूरे जी सेकंड मैम। मंथ के मेडिसिंस में बिल्कुल ठीक हो रहे थे। देन उसके बाद आपने फिर से मेडिसिन स्टार्ट की है, थर्ड मंथ की भी मेडिसिंस लिया, उसमें आपको पूरी तरीके से आपका वेरिकोसील दिखा कि वो क्योर हो चुका है जब आपने अल्ट्रासाउंड कराया, जी मैम। तो कैसा फील कर रहे हैं आप, ठीक हो गए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम,
अच्छा, तो बाकी जो पेशेंट हैं, बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं, या जो वेरिकोसील से सफर कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ सर्जरी ही इसका इलाज है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहूंगा मैम, एक बार भारत होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लें, और सर्जरी तो कराना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे मेरे जितने भी पेशेंट हैं, एक बार भारत होम्योपैथी से कांटेक्ट करें और अपना ट्रीटमेंट कराएं, वही कहना चाहूंगा जी, आपके घर में सभी खुश हैं कि अब आपका वेरिकोसील बिल्कुल ठीक हो चुका है? ओके, मैं। जी मैम, सब खुश हैं। ठीक है। तो देखिए जी, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, ठीक है, आपका वेरिकोसील ठीक हो चुका है। कुछ टाइम के लिए आपकी अभी मेडिसिन चलेगी कि आपको दोबारा से रिपीट ना हो। इन फ्यूचर आपको कभी भी अब वेरिकोसील से सफर नहीं करना पड़ेगा। ओके, जी, चलिए, आप भी डाइट फॉलो करिएगा, डॉक्टर्स की सारी गाइडलाइंस पे रहिएगा, ठीक है? आपकी कुछ टाइम बाद आपकी ट्रीटमेंट को स्टॉप कर दिया जाएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है? ओके, मैम, थैंक यू भारत। तो आप सभी लोगों ने देखा कि जीवा पूरे 3 महीने में क्योर हो चुके हैं। अब उनको किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट लेने की कहीं से भी जरूरत नहीं है, खासकर वेरिकोसील के लिए वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा कि जीवा जी कैसे पूरी तरीके से 3 महीने में क्योर हो चुके हैं। अब उनको वेरिकोसील से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर में नहीं आएगी। वेरिकोसील का सिर्फ ट्रीटमेंट सर्जरी ही नहीं है, इसको होम्योपैथी कस्टमाइज मेडिसिन से भी ठीक किया जा सकता है। जैसे आज पूरी तरीके से जीवा ठीक हुआ है, वैसे आप सभी लोग भी ठीक हो सकते हैं।